गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश के रीडर का लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ द स्टार्स वर बॉर्न। स्टार्स जो है वो कैसे बॉर्न हुए थे, उनका जन्म कैसे हुआ था। लेट्स रीड द मिथोलॉजिकल स्टोरी दैट स्पीक हाउ द मून एंड द स्टार्स वर बॉर्न। हमें ये एक पौराणिक कहानी पढ़ेंगे, मतलब पुरानी कहानी पढ़ेंगे जिसमें हमें बताया गया है कि जो मून है और स्टार्स है वो कैसे बॉर्न हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ प्रिंसेस। बहुत समय पहले एक प्रिंसेस रहती थी, हर नेम वॉज लैला एंड द एंटायर कोर्ट लव्ड हर। और उसका नाम जो था वो लैला था वो, और जहाँ पे वो रहती थी उस जगह के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सी ऑलवेज हेल्प दोज इन नीड एंड हैड अ स्माइल फॉर एवरीवन। वो हमेशा जिन भी लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी उन सब की वो हेल्प करती थी, ज़रूरतमंद लोगों की वो हमेशा हेल्प करती थी और हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखती थी वो। लैला वॉजंट वेन ऑल्दो सी हैड एवरी रीजन टू बी। वो हमेशा अपने जीवन को हमेशा व्यर्थ नहीं गवाती थी, हमेशा उसके पास रीज़न होता था कि कुछ भी काम करेगी तो वो उसके लिए उसका रीज़न होता था वो उसके लिए। सी हैड वेवी ब्लैक हेयर, क्लियर स्किन एंड अ फेस दैट वॉज परफेक्टली ओवल। वो उसके बाल जो थे कर्ली थे, वेवी थे और ब्लैक कलर के थे, क्लियर स्किन थी उसकी, फेस जो था उसका ओवल शेप में था, इस शेप ओवल शेप होता है ना, जो उस शेप में उसका फेस था। हर रियल ब्यूटी हाउएवर ले इन हर आइज़। और उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी जो उसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती थी। वेन एवर लैला फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन दे चेंज फ्रॉम देयर यूजुअल ब्लैक टू ट्रू गोल्ड। जब भी वो अपने भावनाओं में बह जाती थी तो वो उसके जो ट्रू गोल्ड जो ब्लैक कलर था उसको वो सच्चे सोने में बदल जाती थी। वो उसकी भावनाओं को महसूस करने के लिए, अगर कोई भी उसकी भावनाओं को महसूस करे तो सामान्य काले सोने से वो सच्चे सोने में बदल जाती थी। इट सीम्ड दैट नथिंग कुड मेक हर एंग्री बट अलास इट वॉज नॉट सो। इससे हमें पता चलता है कि वो कभी भी गुस्सा नहीं होती थी, पर ऐसा नहीं था। हर आंट रूल द किंगडम वाइल हर फादर वॉज अवे टेंडिंग टू हिज पीपल्स नीड्स। उसकी आंटी जो थी वो किंगडम, मतलब वो रानी थी वहाँ की, जब उसके पिता सेवाओं में लगे हुए थे, लोग ज़रूरतमंद लोगों की सेवाओं में लगे हुए थे। हर आंट वॉज सेल्फिश, उसकी आंटी प्रीटी एंड क्रूएल, और उसकी जो आंटी थी वो बहुत ही सेल्फिश थी कि मतलब अपने बारे में ही सोचती थी वो, दूसरों के बारे में दूसरों का भला नहीं करती थी। सुंदर थी, क्रूएल थी, दयालु नहीं थी वो, बहुत ही निर्दयी थी। सी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड डिडंट हेजिटेट टू सो इट। वो हमेशा अपनी सुंदरता को दिखाती रहती थी, कभी भी हेजिटेट नहीं होती थी कि इस बात से कि मैं अपनी तारीफ करूँ, तो वो हमेशा अपनी तारीफ में अपनी ब्यूटी पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड था। द पीपल हेटेड एंड फियरर हर, और जो वहाँ के लोग थे वो उनसे हेट करते थे, नफरत करते थे और उनसे डरते थे। Jealous of the way the court adored her knees but detested her. Jealous of the way the court adored her knees but detested her. जो वहाँ के लोग थे वो उनकी नीस यानी उनकी भतीजी लैला को बहुत पसंद करते थे, बट डिटेस्टेड हर, पर उसे नापसंद करते थे। जो डेस्टिमोना थी उनकी आंटी, लैला की आंटी जो थी उनको बहुत ही वो नापसंद करते थे, पर लैला को पसंद करते थे। लैलाज आंट डेस्टिमोना डिवाइज द प्लान। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उसकी आंटी ने एक प्लान बनाया, इफ सी वर टू सेंड लैला ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड द मोस्ट क्राउन। येस दैट वुड वर्क। तो उन्होंने सोचा कि जब यहाँ के लोग इनके लैला को पसंद करते तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे ही जो क्राउन खो गया, जो उनका ताज खो गया, उसकी खोज में भेजूं तो वो उनको मिल जाएगा। द क्राउन वॉज द की ऑफ द रियल पावर। जो क्राउन था वहाँ के रियल पावर थी, जो अगर कोई भी वहाँ का किंगडम बनता है, कोई भी वहाँ का राजा बनता है, तो उसकी रियल पावर जो थी वो क्राउन में थी। इट हैड बीन टेकन अवे बाय द इमॉर्टल सेंचुरीज एगो एंड द किंगडम हैड बीन हैविंग डिफिकल्टीज एवर सिंस। इट हैड बीन टेकन बाय द इमॉर्टल, और वो जो क्राउन था वो एक ऐसे इंसान के पास था जो अमर था, वो बहुत सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों पहले, 100 सालों कम से कम पहले वो क्राउन उनके सबसे उन्हीं के पास था।
एंड द किंगडम हैड बीन हैविंग डिफिकल्टीज सिंस एवर। और तब से किंगडम को मतलब यहाँ के लोगों को जो थी उससे डिफ़िकल्टीज हो रही थी, उससे कठिनाइयाँ हो रही थी उनसे, कि वो हमारे क्योंकि वो सही तरीके से कि अपने राज्य को नहीं चला रहे थे। ओनली समवन ऑफ रॉयल ब्लड कुड टच द क्राउन, सो दैट फैक्ट गिव डेस्टिमोना अ लेजिटिमेट रीज़न फॉर सेंडिंग लैला। और जो एक फैक्ट था वहाँ का कि जो भी उस राज्य का राजा बनेगा वो उनका ही ब्लड होना चाहिए, मतलब खानदान में होता है ना कि बेटे के बाद फिर बेटे, बेटे के बाद बेटी, ऐसे राजा बनते हैं, तो उसी तरीके से तो उसी खानदान का ब्लड होना चाहिए, वो वहीं का खून होना चाहिए, तो वही उस क्राउन को टच कर सकता है। तो इसीलिए उसकी आंटी जो थी डेस्टिमोना, उन्होंने डिसाइड किया कि लैला को उसके लिए भेजेंगी। वो लैलाज फादर वुड नॉट बी एबल टू आर्ग्यू अगेंस्ट सच अ डिसीजन, और लैला के जो फादर थे वो इसके इस डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी आर्ग्यू नहीं करने के लायक नहीं थे, नहीं कर सकते थे। स्माइलिंग अ स्माइल दैट डिडंट रीच हर आइस ब्लू आइज, तो आंटी ने स्माइल करते हुए मतलब डेस्टिमोना कॉल्ड हर नीस टू हर चैम्बर्स, अपने डेस्टिमोना ने अपनी नीस को यानी भतीजी को यानी कि लैला को अपने चैम्बर में बुलाया, अपने कक्ष में बुलाया। सी प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन दैट द किंग नीडेड द क्राउन टू एक्सप्लेन, उन्होंने ये एक्सप्लेन करना शुरू किया कि द किंग नीडेड द क्राउन, जो किंग है यहाँ का उसे क्राउन की ज़रूरत है, उसे वो क्राउन चाहिए। इफ दे वर टू सेव द किंगडम फ्रॉम रूइन, अगर वो अपने किंगडम को अपने राज्य को बर्बाद होने से बचाना चाहती हैं, एंड डोंट कम बैक एंटिल यू हैव गॉट द क्राउन, तो उन्हें जब तक उन्हें क्राउन ना मिल जाए वो वहाँ से वापस नहीं आएंगी, उन्हें वहाँ पे क्राउन के लिए जाना होगा। लैला न्यू दैट हर आंट जस्ट वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ हर, लैला ये जानती थी कि उसकी आंटी उससे छुटकारा पाना चाहती हैं। वेयर ऑन अर्थ वॉज शी सपोज टू फाइंड द क्राउन, वेयर ऑन अर्थ, तो लैला ने पूछा कि कहाँ पे उन्हें उन्हें क्या क्या लगता है कि कहाँ पे अर्थ पे वो क्राउन कहाँ पे है, कहाँ से उसे लेने जाना चाहिए। दे हैड बीन लुकिंग फॉर सेंचुरीज एंड नो वन हैड एवर फाउंड इट, तो उसकी आंटी ने कहा कि हम उनसे सेंचुरीज से मतलब बहुत ही सालों पहले से ढूंढ रहे पर वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। एंड एट नाइट देयर वॉज नथिंग इन द स्काई टू लाइट हर वे, नथिंग इन द स्काई टू लाइट हर वे, तो और रात में उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, नहीं ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है जो उनको रास्ता दिखाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है। द स्काई इज सो फ्राइटेड एट नाइट, जो स्काई होता है वो रात को बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखाई देता है। लॉस्ट इन हर थॉट्स लैला डिडंट रियलाइज दैट सी हैड ऑलरेडी एग्जिटेड इन द कैसल ग्राउंड्स, लॉस्ट इन हर थॉट्स लैला डिडंट रियलाइज दैट सी हैड ऑलरेडी एग्जिटेड इन द कैसल ग्राउंड, तो वो अपने सब ख्यालों में मतलब सोचने लग गई लैला, उसी टाइम पे रियलाइज़ करने लग गई कि वो अपने जो महल है उसके मैदान में पहुंच चुकी है। दैट आ थो पॉप्ड इन टू हर माइंड सो सडनली दैट सी गैस्प्ड, तभी उसके माइंड में एक थॉट आया अचानक से, और वो फिर जैसे वो ग्राउंड में पहुंची थी अपने सपनों में, उसके माइंड में एक थॉट आया, एक सोचने लगी वो अचानक से, और फिर उसे वो इशारों में बोलने लगी, मतलब इशारे एंड दैट सी गैस्प, और फिर वो इशारे करने लगे कि मे बी नो वन हैज़ फाउंड द अर्थ फाउंड द क्राउन ऑन द अर्थ, तो वो फिर कहती है अपनी चाची आंटी अपनी आंटी से कहती है कि शायद इस अर्थ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसने उस क्राउन को पाया हो, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन अर्थ एनी मोर बट वेयर कुड इट बी, क्योंकि वो अर्थ पे है ही नहीं, तो एनी मोर बट वेयर कुड इट बी, तो वो कहती है कि वो कहाँ पे पाया जा सकता है, कहाँ पे है वो। देन हर माइंड स्नैप्ड एवरीथिंग इनटू प्लेस लाइक पीस ऑफ अ पजल, तो तभी उसका माइंड जो होता है एकदम से पूरा का पूरा स्नैप्ड होने लगता है, बोलने लगता है कि जैसे कि एक पजल हो गया हो उसके माइंड में कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ़ द इमॉर्टल दैट स्टोल द क्राउन हैड विंग्स मे बी इट हैड हिडन द क्राउन इन द स्काई, वो कहती है कि जो इमॉर्टल जिसने उस क्राउन को चुराया है, जिसके पास वो क्राउन है, मे बी इट हैड हिडन द क्राउन इन द स्काई, तो शायद उसने उस क्राउन को स्काई में छुपा दिया हो, अगर उसके पास विंग्स हैं उसके पास पंख हैं तो वो उस क्राउन को आकाश में छुपा सकता है। Abruptly an immortal's voice echoed in her head, अचानक से फिर उसके माइंड में एक immortal voice सुनाई देती है, well done mortal,
आपकी बहुत अच्छी। यू हैव द फर्स्ट ऑफ योर काइंड टू गेट हर दिस फार। तुम ही ऐसी पहली व्यक्ति हो, ऐसे इंसान हो जिसने इस चीज़ को सोचा। द रेस्ट विल नॉट बी डार्क, आई विल प्लेस यू इन द स्काई। फिर उस वॉइस ने कहा कि ये जो आगे का होगा रेस्ट, बाकी का रास्ता तुम्हारे लिए डार्क नहीं होगा। आई विल प्लेस यू इन द स्काई, मैं तुम्हें स्काई में ले जाऊंगा। यू हैव टू नाइट एंड टू नाइट ओनली टू सॉल्व माई रिडल एंड लोकेट द क्राउन। यू तुम्हें आज तुम्हें रात को मैं तुम्हारी इस रिडल को मतलब सॉल्व कर दूंगा, इस प्रॉब्लम को, और लोकेट द क्राउन, और तुम्हें उस क्राउन को भी दिखा दूंगा। इफ़ यू लॉस यू मस्ट स्टे इन द स्काई फॉर एवर, अगर तुम खो गई वहाँ पे तो तुम्हें हमेशा के लिए फिर स्काई में ही रहना होगा, बादल आकाश में ही रहना होगा। द इमॉर्टल स्पोक अगेन, हेयर इज माई रिडल। जो इमॉर्टल होता है, जो उसके माइंड में बोल रहा होता है, जो आवाज़ जो सुनाई दे रही है, वो दोबारा से कहता है हेयर इज माई रिडल, यहाँ पे ये मेरी रिडल है। तो यहीं तक इसे करना है, और ये जो रिडल इसकी दे रखी है इसे कॉपी में लिखना है, और इसके बाद एक पिक्चर ड्रॉ करनी है इस चैप्टर में से। आज का होमवर्क के आगे का हम कल पढ़ेंगे।